हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिकी वर्ल्ड। दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह ये डाउट रहता है कि हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, सेकंड प्रोपोर्शनल क्या होता है, सेकंड प्रोपोर्शनल कुछ होता नहीं, सेकंड प्रोपोर्शनल कुछ नहीं होता, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, और सबसे बड़ा डाउट कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, दो मीन प्रोपोर्शनल क्या होते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे हमें दो मीन प्रोपोर्शनल निकालने को कहा गया है, और हम मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यहाँ पे बी जो होता है यही हमारा मीन प्रोपोर्शनल होता है। हम इतने तो जानते हैं, यही तो जानते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल निकालना होगा कभी भी दो नंबर का, तो बस ए सी वो नंबर्स मान लेते हैं और बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी कर देते हैं और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही हमारा मीन प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो अब बात बताइए फ्रेंड कि दो मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे। तो आप में से बहुतों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट होगा, जब इधर लेफ्ट साइड राइट साइड शिफ्ट करेंगे स्क्वायर को तो स्क्वायर रूट होगा, दैट मीन्स बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देंगे तो स्क्वायर रूट होगा, तो दो वैल्यू जाएंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, आपको इतना पता होगा। तो यहाँ से हमें दो मीन प्रोपोर्शन मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है, तो कैसे करेंगे, हुआ ना एक बड़ा डाउट। तो फ्रेंड इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज इस वीडियो में हम सारे चीजें देखेंगे कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, सेकंड प्रोपोर्शनल, सेकंड कुछ नहीं होता भाई, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्थ एंड मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, सेकंड प्रोपोर्शनल की जगह फ्रेंड मीन प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो इन्हीं सबको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं ये प्रोपोर्शनल क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि प्रोपोर्शन क्या होता है, समानुपात, जिसको हिंदी में समानुपात कहते हैं, ये होता क्या है। जैसे चार नंबर हमारे दे दिए हैं ए बी सी डी, हाँ, ये प्रोपोर्शन में हम कैसे पता करेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है फ्रेंड, दो मेथड होते हैं, मैं दोनों आपको बताने वाला हूँ, दोनों बहुत सिंपल से हैं। पहला मेथड क्या है कि जो दूर दूर नंबर है इनका पहले प्रोडक्ट कर लो, तो दैट मीन्स ए इंटू डी, दूर दूर है ना ए और डी, प्रोडक्ट कर लो। उसके बाद जो पास पास है इनका भी प्रोडक्ट कर दो, दैट मीन्स गुणा कर दो आपस में, और ये अगर इक्वल है दोनों, ये गुणा और ये गुणा इक्वल है, तो कह देंगे कि ये जो चारों नंबर हैं ये प्रोपोर्शन में है। तो फर्स्ट मेथड तो ये हो गया कि जब हम दूर दूर वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, पास पास वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल है तो प्रोपोर्शन में। और सेकेंड मेथड जो होता है वो इससे भी सिंपल हो जाता है कि हमें क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो दो नंबर है, शुरू के दो नंबर, इनका रेशियो निकाल लो, इनको रेशियो के फॉर्म में लिख दो, और ये जो बाद वाले दो नंबर हैं इनका रेशियो निकाल लो, और ये दोनों रेशियो जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो कह देंगे कि ये नंबर प्रोपोर्शन में है। तो ये सेकेंड मेथड होता है। और प्रोपोर्शन का साइन कैसे होता है, ये बस कुछ नहीं, जो हम इस टू का साइन लगाते हैं रेशियो वाला, उसको दो बार लगा दो पास पास, तो ये प्रोपोर्शन का सिंबल है। इसका मतलब जो होता है, इसका एक तरीके से मान के चलिए इक्वल टू के बराबर होता है ये, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी प्रोपोर्शन के बारे में। अब बात आती है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। तो उसके लिए जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए चार नंबर है ये हमारे प्रोपोर्शन में है, तो इसको हम ऐसे ही नोट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये जो नंबर होगा, जैसे दिख रहा है कि ये फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट नंबर है इस चारों में, तो इसको हम फर्स्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। अब प्रोपोर्शन में है इसलिए फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहेंगे, ठीक। और इसी तरह इसको फोर्थ प्रोपोर्शनल कहेंगे। अब ये ऐसा कोई हार्ड एंड बाउंड रूल नहीं है कहीं पे भी, बस हमने जो कंफ्यूजन होती है उसको दूर करने के लिए ये ट्रिक बना लिया है, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट प्रोपोर्शन कहेंगे, इसको फोर्थ प्रोपोर्शन। तो अगर आपने ऐसे कर लिया तो कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। अब जब कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शन, तो मतलब फोर्थ वाला नंबर हम एक्सलेट कर लेंगे, उसके बाद बाकी इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में रख के हम रिजल्ट निकाल लेंगे। नहीं समझ में आया कैसे, चलिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू क्या है, पहले इसको इरेज कर, नहीं इरेज कर छोड़ो, क्या बोल रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल टू इतना। तो जैसे हमारे नंबर्स क्या दिया हुआ है, 0.12 एंड 0.21 एंड 8 है ना, हाँ 8, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है। हाँ फ्रेंड एक बात और, जब कभी भी हमें फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछेगा और फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा, तो हमें तीन डिजिट दी रहेगी, तीन नंबर दिए रहेंगे, हमेशा तीन नंबरों का फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा, दो नंबर का नहीं। और जो जब भी मीन एंड दैट मीन्स मीन लिख देता हूँ, मीन प्रोपोर्शनल और जो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, मीन और थर्ड जब पूछेगा तो वो हमेशा हमारा दो नंबर के लिए पूछेगा, दो डिजिट हमें दी होगी, दो नंबर हमें दिए होंगे। तो एक डिस्टिंक्शन यहाँ पे हमें ये मिल जाता है कि अगर
ज़्यादातर डाउट कहाँ होते हैं, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल में होता है, और मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं ये लोग। तो थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन में एक डिस्टिंक्शन ये मिल जाता है, अगर थर्ड पूछेगा तो हमेशा दो ही नंबर दिए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कैसे निकालेंगे आगे मैं बताने वाला हूँ। अगर फोर्थ पूछ रहा है तो तीन नंबर दिए हैं तो डायरेक्ट जो फोर्थ वाला रहेगा उसको एक्स सेलेक्ट करने हैं, जो हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल जैसे यहाँ से देखिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर हमें पता नहीं है, पूछ ही रहा है, तो इसको हम एक्स सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा एक्स हो गया। अब ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल पूछ रहा है जिसका मतलब प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो इसको प्रोपोर्शन में करेंगे तो दो मेथड मैंने पहले आपको बता दिया ना शुरुआत में ही, कि प्रोपोर्शन में करने के दो मेथड होते हैं, या दूर दूर का मल्टीप्लाई करके पास पास का मल्टीप्लाई इक्वल कर दो, या रेशियो के फॉर्म में कर दो, जैसा आपको सुटेबल लगे। यहाँ हम दूर दूर वाला करेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू एक्स हो जाएगा, इधर 0.21 इंटू 8 हो जाएगा। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेसिमल से डेसिमल हट गया, तीन चार से काटेंगे तो तीन आएगा, ये चार दो और तीन से काटेंगे 7, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 7 × 14, ये हमारा आंसर हो गया। बस चुटकियों में आंसर आ गया ना फ्रेंड, कुछ होता नहीं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस डाउट रहता है कि थर्ड प्रोपोर्शनल फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो गई, अगर मान लो जैसे यही नंबर दिया होता और इसमें फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछ लेता तो क्या करते, कुछ नहीं, जो हमने फोर्थ यहाँ पे एक्स लिया है उसको हम फोर्थ ना लेके हम फर्स्ट लेते, एक्स फर्स्ट टर्म एक्स लेते और इसको हम प्रोपोर्शन में करते तो ये ऐसे हो जाता, एक्स इंटू 8, क्योंकि दूर दूर वाला हम लेते ना, तो एक्स इंटू 8 और पास पास वाला फिर इनका प्रोडक्ट, दैट मीन्स 0.12 इंटू 0.21। अब इसको प्रोडक्ट निकाल लिए तो कितना हो जाएगा, 4 से 2 4 3 एंड 2 से कटेगा नहीं, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 21 × 63 0.63 × 10⁻², अपॉन 6, एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी। ठीक है, अगर इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए। समझ में आ गया ना कि फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेंगे तो हम फर्स्ट टर्म लेंगे, जो एक्स लेट करेंगे, जो हमारी रामबाण तरीका है कि जब भी हमें कुछ नहीं पता हो एक्स लेट कर लो, उसके बाद जो डिफिनीशन होती है या जो कह रहा है वही करते जाओ, रिजल्ट मिल जाता है। उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शन कहेगा तो फर्स्ट नंबर, फोर्थ कहेगा तो फोर्थ नंबर, उसके बाद हमें प्रोपोर्शनल दिखाना है तो ये प्रोपोर्शन वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, हमारा डाउट क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या होता है। अब बात आती है थर्ड एंड मीन प्रोपोर्शनल की, तो सबसे पहले हम थर्ड प्रोपोर्शनल देख लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे हमने शुरुआत में ही देख लिए थे स्टार्टिंग में, कि अगर हमें थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड एंड मीन प्रोपोर्शनल जब भी पूछेगा तो हमें दो नंबर दिए होंगे, दो नंबर देंगे तभी थर्ड एंड मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा। अब फ्रेंड इनको प्रोपोर्शन में बनाना है और प्रोपोर्शन के लिए कम से कम हमें चार नंबर चाहिए तभी हमारा प्रोपोर्शन में होता है। तो दैट मीन्स इसमें या तो हमें नंबर बाहर से एक दो नंबर लाना पड़ेगा, दोनों सेम ला सकते हैं तो एक ही नंबर लाना पड़ेगा, दोनों अलग अलग लेंगे दो नंबर, या तो इसी में से किसी को रिपीट करके एक बाहर ला सकते हैं, तो कुछ भी कई तरीके हैं इनको करने के। तो उन्हीं तरीकों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होगा कि मेन प्रोपोर्शन होगा। कैसे, चलिए हम देखते हैं। तो जब फ्रेंड हम जैसे ये है ना, इसको प्रोपोर्शन में बनाना है तो सीक्वेंस हमें कभी भी ब्रेक नहीं करेंगे। तो इन क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लीजिए फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस सीक्वेंस में नंबर दिया हुआ है ना, हम हमेशा उसी सीक्वेंस में लेंगे, सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत ही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए सीक्वेंस कभी नहीं ब्रेक करना है। तो जैसे यहाँ पे सीक्वेंस में दिया हुआ है ना फ्रेंड, तो उसी तरह हम लिख लेंगे। तो इसको प्रोपोर्शन में करना है तो ये हो गया। अब हम देखिए प्रोपोर्शन का सिंपल, अब हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके कर सकते हैं, या इसी को हम रिपीट कर दें और एक दूसरा नंबर ला लें x, ठीक, और क्या कर सकते हैं, ये हम लिख लेते हैं एक बार, और क्या कर सकते हैं, दोनों नए नंबर ला सकते हैं, एक x1 और एक x2, ठीक है ना। अब इसको रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमारा वो सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा तो हमारा जो आंसर हो जाएगा गलत हो जाएगा, इसलिए हम सीक्वेंस में चलेंगे। तो दो तरीके होते हैं, अगर हमारा ए इज टू बी ऐसे लेके चलेंगे तो ठीक, और प्रोपोर्शन वाला तो इसको दो पार्ट में ऐसे हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड, जब हम बी वाला रिपीट कर दे रहे हैं, जब बी को हम रिपीट करेंगे तो इसको हम कह देंगे थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक, और ये हमारा कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ हमारा x1 x2 हम कितने भी नंबर लेते जाएंगे सबके लिए हो जाएगा, जो मन चाहो वो ले लो,
क्योंकि रेशियो सेम करना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अगर ये ए वन होता बी टू होता तो 1:2 रेशियो होता। अब यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, 2:4 ले लीजिए, 3:6 ले लीजिए, कुछ भी लेते जाइए, इनफाइनाइट आसानी से बनते जाएंगे ना, तो इसीलिए दोनों अलग अलग लेना है। तो इसलिए जनरली ऐसा कोई इसका फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, फिक्स वैल्यू नहीं है इसकी, इसीलिए ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का फर्स्ट वाला तरीका है, ठीक, ये तरीका कि जब हमारा बी जो सेकेंड वाला नंबर उसको रिपीट कर देगा और एक नया नंबर, तो ये जो नया नंबर इसी को कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमारा एग्जांपल क्या है कि थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 18। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि हमेशा हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल दो नंबर के लिए पूछेगा, इनका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, कुछ नहीं, थर्ड प्रोपोर्शनल जैसे ही आपको दिखे ना, एक बार ध्यान रखिए, जो सेकंड वाला नंबर है इसको रिपीट कर देना, बस इतना दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करने लगेगी ना, तो आपको कोई डाउट नहीं, तो इसको रिपीट कर देना, दैट मीन्स ये ऐसे ही रह जाएगा, इसको रिपीट कर देंगे ये हो जाएगा हमारा, और नया वाला ये जो एक्स ले लेंगे, लास्ट में ही हमेशा रहेगा ये एक्स, बीच में नहीं ला दीजिए, नहीं प्रॉब्लम में हो जाएंगे, लास्ट में एक्स ले लेंगे, बस यही हमारा प्रोपोर्शन हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट मीन्स ये हो जाएगा 18 × 18, क्योंकि पास पास प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दैट मीन्स ये, अब इसको काट दीजिए, 6 × 12, 6 × 3 = 18 एंड 32 × 9, तो दैट मीन्स 27 हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, यही हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, 27 हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया ना, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल। अब बात आती है मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो फ्रेंड बहुत, वो तो और आसान होता है, कुछ नहीं करना, जैसे दो नंबर दिए होंगे ना, अगर हम इन दोनों नंबर को अभी तक हम क्या ले रहे थे, पास पास ले रहे थे, जैसे रेशियो बना रहे थे ना 1:2, तो पास पास लेके चल रहे थे, अब इन दोनों नंबर को दूर दूर ले सकते हैं, क्योंकि बीच में भी नंबर, चार नंबर हमें लाना ही है, तो हम बीच में भी तो दो नंबर ला सकते हैं, जरूरी है कि बगल में ही दो नंबर लाएं लास्ट में, तो जब बीच में दो नंबर लाएंगे या एक नंबर लेके आएंगे तब हमारा मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जब बागल में लाएंगे तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो जैसे बीच में लाने का मतलब इनको दोनों को दूर दूर लिख लेंगे, अब इसमें प्रोपोर्शन लाना है, क्या कर सकते हैं, एक नंबर हमने लिया, ठीक, और उसी को हम रिपीट कर सकते हैं, एक नंबर हमने लेंगे अब इसी को रिपीट कर देंगे तो हमारा मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो एक्स होता है इसी को कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एन बी, समझ में, जब बीच में लाएंगे रिपीट कर सकते। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम रिपीट क्यों करें, अलग अलग नंबर ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पे ले लीजिए एक एक्स ले लीजिए, दूसरा वाई ले लीजिए, प्रोपोर्शन में अलग अलग नंबर ले लीजिए, तब भी फ्रेंड ये मीन ही प्रोपोर्शन हो जाएंगे। इसीलिए देखिए जब कभी कभी आ जाता है कि टू मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करिए क्वेश्चन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया था ना कि दो मीन प्रोपोर्शनल, तो लोग यहीं पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता है ना, वो सोचते हैं कि बस यही होता है कि बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी होता है, ये जो नंबर है यहाँ ए की बजाय बी की बजाय सी कर दो तो ये ही मीन होता है, तो ये फॉर्मूला के लिए याद किए रहते हैं, एग्जैक्टली उन्हें पता नहीं होता कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, इसलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अब आप कन्फ्यूज नहीं होंगे ना, अगर आपको भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप क्लियर हो जाएगी कि मीन प्रोपोर्शन क्या है, दो नंबर दिए उनको दूर दूर लिख लो और पास में प्रोपोर्शन बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दो ही चीज़ कर सकते हैं कि दोनों दो एक नंबर लाएं उसको रिपीट कर दें, या दोनों अलग अलग नंबर लेके आएँ, दोनों अलग अलग लेके आएंगे तो ये हमारा टू मीन प्रोपोर्शन देगा, टू मीन प्रोपोर्शन देगा, और जब एक नंबर लेके आएंगे तो एक मीन प्रोपोर्शन देगा, ठीक। तो ये डिपेंड करता है हमारा कितना पूछ रहा है क्वेश्चन में, ज़्यादातर मोस्टली हमेशा हमारा ये वाला पूछता है, एक ही मीन प्रपोर्शन पूछा, लेकिन कभी कभी जब अच्छा पेपर बनता है दो मीन प्रपोर्शन पूछते हैं तो आप ये वाला करिएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मीन प्रपोर्शन। अब जैसे वो फॉर्मूला कहाँ से आया, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया, तो बहुत आसानी से ये वाला फॉर्मूला, ये वाला इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करिए, तो प्रपोर्शन में इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, दैट मीन एक्स स्क्वायर, तो यही हुआ ना, यही तो हम कहते थे ये हमारा मीन होता है, मीन प्रोपोर्शनल, और ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मतलब ये हो गया, समझ में आया ना, तो ये हमारा मीन प्रोपोर्शनल। अब चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसे हमारा क्या कह रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 1.21 और 0.09, इनका मेन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो सिंपल सा कुछ नहीं, इनके बीच में हमारा दो नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मेंशन नहीं किया गया एक की दो, तो हम हमेशा एक लेके चलेंगे, ठीक, हमेशा एक लेके चलेंगे, जब क्लियरली मेंशन होगा कि दो तभी, और दो से ज़्यादा हो भी नहीं सकते अपने, ठीक। तो दो यहाँ एक बोला है तो दोनों सेम लेंगे, तो डेट मीन्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से, अगर कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको पता होगा तो ठीक रहेगा,
इसलिए मैंने बता दिया। तो ये हो गया, अब इसको हम स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, दैट मीन्स एक्स इजिकल टू इसका रूट हो जाएगा। पहले इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे भी पॉइंट टू अपॉन में 100 आएगा, अपॉन में 100 दो बार 100 मतलब बाहर निकाल लो, तो इसको हटा के दो बार 100 एक बार 100 बाहर आएगा। स्क्वायर रूट का मतलब दो बार जो अंदर होगी वही एक बार आएगा, तो यहाँ 9 है तो मतलब 3 बाहर आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई करने का तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड, बहुत आसानी से होता है। और यहाँ 121 बचेगा ना, पॉइंट तो हट जाएगा, तो 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। इसीलिए डायरेक्ट कुछ नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ से 11 बाहर निकाल लेंगे, हम कुछ नहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा, इससे अच्छा डायरेक्ट ब्रेक करिए। कभी भी स्क्वायर रूट फाइंड करना ना तो उसको फैक्टराइज करते जाइए और निकालते जाइए, जो दो बार आए उसको कॉमन बाहर निकालते जाइए जिनका पेयर बन जाए, बस आंसर चुटकियों में आपका निकलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33/100 में 0.33 हमारा आंसर हो जाएगा, चुटकियों में निकला गया। तो एक एग्जांपल ये हो गया। अब चलिए हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारा रहता है कि दो मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड टू मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू एंड 54 में फाइंड करना है। तो हम जानते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो मीन प्रोपोर्शन दैट मीन्स ये दोनों नंबर हमारे अलग अलग, ठीक। ये अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ स्कीम एक्स वाई इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम है और ये मीन का प्रोडक्ट हो गया। एक्सट्रीम मतलब जो दूर दूर और मीन मतलब जो पास पास, ये टर्म का आइडियोलॉजी है, ठीक। उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं चाहता सिंपल भाषा समझिए, दूर दूर और पास पास, ठीक। तो एक्स वाई हो गया, अब हम एक्स वाई, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ दो वेरिएबल में और हमें कुछ और एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ना फ्रेंड। इसको हम सबसे पहले ऐसे करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108। अब कुछ नहीं, अब 108 को दो टर्म में तोड़ना है कि दो ऐसे टर्म में तोड़ो जिसका प्रोडक्ट 108 हो जाए, नो मैटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको कई तरीके से तोड़ सकते हैं, तो कई तरीके से तोड़ने से अच्छा सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑप्शंस के जरिए जाइए। एग्जाम में हमें ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन देखिए जिनका प्रोडक्ट ये आ जाए बस वही और ऑप्शन से कर दिए, नहीं अगर आप इसको तोड़ने लगेंगे तो कई तरीका हो जाएगा, आप फालतू में दो तीन तरीके एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, कोई यूज़ नहीं रहेगा, ऑप्शन जाएंगे तुरंत चुटकियों में मिल जाएगा। जैसे ऑप्शन से देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 68, तो बस पहला ऑप्शन ही सही हो गया। अब देखिए बाकी जो तीनों ऑप्शन वो नहीं सही होंगे, क्यों, 72 ये नहीं सही होगा, और 12 × 18 18 × 36 18 × 18 21 ये भी नहीं हुआ, और 9 × 6 = 34 ये भी नहीं हुआ। देखिए तीनों नहीं हुए ना, तो दैट मीन्स फर्स्ट वाला, और पहले ही देख लीजिए आपको एक ही ऑप्शन मिल गया तो करेक्ट कर दीजिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा दो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। अगर आपको अकेले फॉर्मूला याद रहेगा तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो ये था हमारा मीन प्रोपोर्शन। अब चलिए मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन दिखाता हूँ मीन प्रोपोर्शन से रिलेटेड, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन हमेशा ऐसे सिंपल नहीं रहता, कभी कभी क्वेश्चन हमारा ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, दैट मीन्स 3+√2 and 12 − √3 का मीन प्रोपोर्शन निकालिए। आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा ना, इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, बहुत आसान है। अगर आप स्क्वायर, बहुत आसान है, क्या करना है कुछ नहीं, हम जानते हैं कि मेन प्रपोजल एक ही बोला गया है यहाँ पे, कुछ नहीं बोला गया मतलब एक, तो एक बोले इसका स्क्वायर इक्वल टू इनका प्रोडक्ट करना है, तो कुछ नहीं प्रोडक्ट कर लेते हैं ना। तो इसको हम पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करेंगे, देखिए मैं आपको इतना सिंप्लीफिकेशन का एक तरीका बताता हूँ। यहाँ 12 है ना, अगर इसमें से फ्रेंड देखिए यहाँ 32 है, अगर इसमें से हम 16 कॉमन हो जाएगा ना, 32 में से 16 कॉमन हो गया, 16 क्या होता है 4 × 4, दैट मीन्स एक 4 हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये कर लेते हैं, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस साइन है 4, और रूट में क्या बचेगा 2, क्योंकि 16 × 2 = 32, तो यहाँ से ये हो गया। अब इसमें से देखिए ये, अगर इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, 4 कॉमन लेंगे 3 − √12 2 बचेगा √2। अब ये देखिए यहाँ प्लस में ये माइनस में, दैट मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स, और ए स्क्वायर दैट मीन्स 9 माइनस बी स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 7 × 4 × 7, ये हो गया। अब इसको हम इस, तो ये देखिए अब सिंप्लीफाई हो गया आसानी से, कुछ अब नहीं करना है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट तो 2 बाहर आ जाएगा, ये √7 हो जाएगा, दैट मीन्स 2√7, ठीक ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, तो इसलिए घबराइएगा मत कभी भी, क्वेश्चन देखिए अरे यहाँ रूट वगैरह कैसे करेंगे, बस आप करते जाइए, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको अगर कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड।
ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है, सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।